Hello, my dear friends of 10th Standard English Medium. Once again, welcome back to my class of Social Science. And this is going to be the second part of our ongoing chapter number 10, Agriculture. जो मैंने previous chapter lecture में बताया था आपको कि बहुत important chapter है ये. काफी लंबा भी है, but again, as I said, बहुत important है, इसलिए उसको deeply पढ़ना जरूरी है. That's why. It's a long chapter, okay? And in the first part of the chapter, as you might have known so far, that we studied about types of farming which are carried out in India. India में जितने भी types of farming होते हैं, जैसे कि हमने नाम से पढ़े थे, उसमें उसका definition भी हमने समझा था, जैसे कि subsistence farming, फिर दूसरा type है dry farming, फिर है wet farming. Then we studied about shifting agriculture. Then we also studied about plantation agriculture. और last में हमने intensive farming के बारे में भी हमने समझा था. इस lecture में हम पढ़ेंगे farming methods के बारे में, जो भी एक बहुत ही important short note के लिए important topic है. ठीक है? और farming method के बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, जो मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी है, वो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है. ठीक है? सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सब टॉपिक फार्मिंग मेथड्स, दैट स्टार्ट्स ऑन पेज नंबर 77 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक आपको अपने हाथ में रखना है, पेंसिल भी अपने हाथ में रखना है. ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ये तीन फार्मिंग मेथड्स हैं हमारे एग्रीकल्चर में. वंस अगेन, आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड आउट दीस थ्री मेन फार्मिंग मेथड्स ऑफ इंडिया, ओके, विच यू नीड टू रिमेम्बर बाय द एंड. देर आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया: ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट डू दे स्टैंड फॉर. So, first of all, organic farming. The rate at which the chemical fertilizer and the insecticide are used, the destructive effect of these chemicals is also felt. तो इस statement का मतलब है कि जितना ज्यादा chemical fertilizer का जमीन में उपयोग होता है farming के लिए, या तो फिर insecticides जीव जंतुओं को मारने के लिए, ठीक है, वो भी एक टाइप का केमिकल ही है, वो अगर ज्यादा यूज होता है तो जमीन की फर्टिलिटी जो है उसके ऊपर उसका नेगेटिव असर होता है. टेम्पररी टाइम के लिए हम ये कह सकते कि क्रॉप का प्रोडक्शन तो उससे अच्छा होता है, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है. अनदर थिंग इज दैट कि फर्टिलिटी जो लाइफ, लाइक कोई भी टाइप का जो लैंड होता है उसकी फर्टिलिटी का भी एक लाइफ होता है, वो भी शॉर्ट हो जाता है. ठीक है? यानी कुछ ही सालों में जमीन का जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाता है, जमीन बंजर हो जाती है. तो ये एक नुकसान है केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करने का. ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड इन ग्रेन, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इट हैज अफेक्टेड एडवर्सली द हाइजीन ऑफ द पीपल. अब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा मात्रा में उपयोग करने की वजह से, क्योंकि खेत में ही पकी हुई चीजें जो फूड है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, ठीक है, सीरियल्स हैं, वो सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं. ओके, और जाहिर सी बात है कि इसके प्रोडक्शन में, इसके कल्टीवेशन में अगर केमिकल फर्टिलाइजर का अगर उपयोग हुआ है तो हमारी हेल्थ के ऊपर भी उसका नेगेटिव असर हो सकता है. ठीक है? और अनफॉर्चुनेटली काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स इस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करके पकाए जाते हैं खेतों में, जो कि अच्छी बात नहीं है. कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ कमर्शियल लेवल का फार्मिंग करते हैं, ठीक है, खास करके खाने पीने की जो चीजें होती है उसका अगर फार्मिंग होता है तो वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर का लिमिटेड उपयोग होना चाहिए. वैसी समझ उनको, एक मॉरल जिसको कहते हैं कि एथिकल अंडरस्टैंडिंग, वो होना जरूरी है. बिकॉज इन केस इफ वी कंज्यूम दोज फूड आइटम्स, ओके, विच हैव बीन कल्टिवेटेड बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स,
then it will have a dangerous effects, the adverse effects on our health and hygiene. Okay, more damage is caused to environment. पर्यावरण को भी उससे नुकसान होता है, सिर्फ इंसान के हेल्थ को नहीं लेकिन पर्यावरण को भी उसका नुकसान होता है. द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड हैज रिड्यूस्ड, जो मैंने जस्ट अभी अभी बताया वैसे ही कि लैंड का प्रोडक्टिविटी या उसका फर्टिलिटी वो भी रिड्यूस हो जाता है. कुछ टाइम तक अच्छा लगता है कि क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, लेकिन फिर शॉर्ट टाइम के बाद वो प्रोडक्शन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले हुआ करता था, क्योंकि अब फर्टिलिटी ही खत्म हो गई है. तो सीधा असर लैंड फर्टिलिटी, लैंड की क्वालिटी के ऊपर उसका होता है. ओके, ड्यू टू विच द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द लैंड एंड द क्वालिटी वर रिड्यूस्ड ओवर अ लॉन्ग रन. ठीक है, लॉन्ग रन की अगर हम बात करें कुछ ईयर, देन कैसी वी टॉक अबाउट सम ईयर्स डाउन द लाइन, देन इट इज क्वाइट ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. अगर हम लोग एजुकेटेड हैं, या तो फिर कोई फार्मर जो फार्मिंग कर रहा है वो एजुकेटेड है, वो इस चीज के बारे में जरूर सोचेगा कि अगर उसकी खुद की जमीन है उसके पास, और उसकी वो खुद की जमीन उसका क्वालिटी अगर वो बरकरार रखना चाहता है, ठीक है, तो वो केमिकल फार्मिंग नहीं करेगा. ठीक है, हाइब्रिड प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा. ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुदरती रूप से बने हुए फर्टिलाइजर्स उसका उपयोग किया जाता है, जिससे जमीन की क्वालिटी खराब नहीं होती, हालांकि अच्छी होती है. इट विल हैव द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड ऑल टुगेदर. हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो जरूर हो जाता है, लेकिन जो कुछ भी होता है वो क्वालिटी वाला होता है. दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर एज फार एज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कंसर्न. लेट अस रीड फर्दर. Organic farming is that method of farming in which urea or any other chemical fertilizer and insecticides are not used. Okay, वही बात यहाँ पे बताई गई है कि organic farming में chemical fertilizer या तो फिर insecticide, जो खुद भी एक chemical है, बहुत ही harmful chemical है, temporary base पे वो अच्छा result देता है, लेकिन overall soil की fertility को खराब करता है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स या तो इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं किया जाता है. फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप, डंग, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, कॉम्पोजिट फर्टिलाइजर एटसेट्रा यूज्ड. यहां पे आपको अंडरलाइन करना है ताकि आपको पता चले कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो क्या क्या चीजें उसमें यूज करनी है. तो जवाब है उसका कि जो डंग होता है, ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स का, खास करके काऊ का एक्सक्रीटा जो होता है उसका, एंड देन अर्थ वॉर्म फर्टिलाइजर, अर्थ वॉर्म लाइक कीड़ों से बना हुआ, कुदरती रूप से बना हुआ जो फर्टिलाइजर है उसका, या तो फिर कॉम्पोजिट फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है, जो कुदरती रूप से काफी टाइम से जो फार्मर्स गांव में फार्मिंग करते हैं, ठीक है, उनको ये मेथड पता होती है कि खुद घर पे कुदरती तत्वों का उपयोग करके वो किस तरह से फर्टिलाइजर बना सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर इज नोन एज कॉम्पोजिट फर्टिलाइजर. ओके, इसके अलावा उसमें काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट्स, बटर मिल्क एटसेट्रा, ये सारी चीजें यूज होती है, जिससे ऑब्वियसली सॉइल फर्टिलिटी को नुकसान कुछ नहीं होता है, फायदा होता है बल्कि. ओके, द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन. इस तरह से किया हुआ अगर फार्मिंग है तो उसमें जो कुछ भी पकी हुई चीजें है खेतों में वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, इनकेस इफ वी टॉक अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज एंड द नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, तो वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत प्रमोट किया जाता है. बिकॉज पीपल ओवर देयर बिलीव के इंसान की हेल्थ के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. एवरीथिंग शुड नॉट बी थॉट अपॉन डूइंग द काइंड ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ओनली. ओके, क्योंकि हेल्थ इज कंसिडर्ड टू बी द अटमोस्ट प्रायोरिटी इन द ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल में
बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, तो इसमें एक हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी लेवल पे आती है। पहला ऐसा होता था कि सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट को नजर में रखते हुए हम इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, कोई भी देश का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता था उसका अंदाजा लगाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ओके, HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हेल्थ आपको अगर याद है तो वो प्राइमरी लेवल पे रखा जाता था। तो वहां पे कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ग्रेटली प्रमोटेड, कीपिंग इन माइंड द कंसर्न्स रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्शन होता है, जो कोई भी फूड प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर नेचुरल न्यूट्रिशन होते हैं जो कि बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। दे कंटेन नेचुरल टेस्ट, उसका टेस्ट भी नेचुरल होता है। स्वीटनेस एंड फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू और उसकी स्वीटनेस वो भी नेचुरल होती है। ठीक है, देर आर मिनरल्स, विटामिंस एंड अदर एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स इन द क्रॉप्स। कोई भी क्रॉप्स या खाने पीने की कोई भी चीज होती है तो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर the useful ingredients that are needed for our body. Vitamin है, protein है, fiber है, ठीक है, calcium है, ये सारी चीजें हमें food में से मिलती है, तो obviously वो organic farming से पकाया हुआ अगर कोई food है तो उसी में से हमें मिल सकता है। Okay, nowadays organic farm products are more in demand, so the farmers also get a new good return. अभी ऐसा थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो बढ़ गई है पहले के मुकाबले, इसलिए इवन इंडिया में भी के ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। फार्मर्स भी, उनमें भी अवेयरनेस आ गई है, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उनको भी पता है कि भले उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है कल्टिवेशन होने में, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके लिए अच्छा है, फायदेमंद है, उसका भी बेनिफिट अच्छा होता है। ओके, बाजार में अगर कोई भी ऑर्गेनिक तरीके से पकाया हुआ फूड अगर हम खरीदने जाएंगे तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर होगा, बट जैसा मैं आपको बता चुका हूँ आगे कि हेल्थ के साथ जनरली हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कोई सस्ती चीजें जो बेकार या बहुत ही घटिया तरीके से पकाई हुई जो चीजें होती है उसको नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज इट्स द मैटर ऑफ यू नो मेंटेनिंग अवर हेल्थ एंड बॉडी एंड हाइजीन। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग से कल्टिवेट हुआ कोई भी फूड आइटम भले ही वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो वही खरीदना चाहिए। सो फार्मर्स ऑल्सो हैव रियलाइज्ड सो फार द वैल्यू ऑफ कल्टिवेटिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सबसे पहला मेथड हमारा, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सस्टेनेबल फार्मिंग। ओके, वो चीज क्या है वो हम पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू सी दैट द सॉइल फर्टिलिटी इज रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, केयर इज टेकन फॉर क्रॉप रोटेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ओनली व्हेन नेसेसरी, यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल फॉर इंसेक्ट्स एंड हार्वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन एटसेट्रा। अभी की सेंटेंस में सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में समझाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा शायद उसको डिफिकल्ट लगेगा अगर आप सिर्फ इसको रीडिंग करोगे तो, लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा सस्टेनेबल फार्मिंग बेसिकली क्या होता है। सस्टेनेबल फार्मिंग में नॉर्मल वे से फार्मिंग तो किया ही जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी किया जाता है, जहां तक हो सके केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम किया जाता है, ठीक है, और जमीन की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए दूसरे भी एफर्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी फार्मर के पास जमीन है तो उसके ऊपर वो सिर्फ फार्मिंग ही करता रहेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाइल डूइंग द फार्मिंग ही इज ऑल्सो एंश्योरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ द लैंड ऑल्सो रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। लैंड का, खेत का जो क्वालिटी है वो, सॉइल का क्वालिटी है वो भी लॉन्ग टाइम तक वैसे का वैसा ही रहे, वो चीज का भी ध्यान रखना, इस मेथड को सस्टेनेबल फार्मिंग कहा जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करना
केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम यूज करना वो तो आता ही है, लेकिन उसके अलावा जैसे यहाँ पे लिखा है क्रॉप रोटेशन, ओके, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे एक ही साल में एक से ज्यादा, दो तीन या इससे भी ज्यादा इवन क्रॉप्स एक ही साल में पकाए जाते हैं खेत में, क्योंकि वहां की जमीन ऐसे फर्टिलिटी वाली होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉप रोटेशन करना है, यानी कि लाइक पहले सपोज एक एग्जांपल है कि पहले कोई जमीन में कॉटन पकाया गया है एंड देन आफ्टर वीट का क्रॉप लिया जाता है, तो ये क्रॉप रोटेशन का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन वो क्रॉप रोटेशन कुछ इस तरह से करना है दैट पर्टिकुलर क्रॉप ओनली दैट वी हैव टू सिलेक्ट फॉर दैट लैंड विच विल आइदर मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन कुछ इस तरह से करना है कि क्रॉप जो जमीन का फर्टिलिटी है वो या तो मेंटेन कर पाए पहले की तरह ही, या तो एटलीस्ट रिड्यूस ना हो, या तो फिर बढ़ जाए, वो फर्टिलिटी का लेवल बढ़ जाए। इस तरह से क्रॉप रोटेशन करना, जो कि बहुत ही लाइक एजुकेटेड जो फार्मर्स होते हैं उनको पता होता है कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप उगाने के बाद कौन सा क्रॉप उगाया जाए ताकि जमीन को भी फायदा हो। उनको तो फार्मिंग का फायदा होता ही है, लेकिन जमीन का क्वालिटी भी बरकरार रहे और वो भी या तो फिर उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आए थोड़ा, ऐसा कौन सा क्रॉप लिया जाए, ये मेथड का स्टडी करना, उसी को हम सस्टेनेबल फार्मिंग कहते हैं, ओके। फिर इसमें जो मैंने आपको आगे बताया लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, वो बहुत जरूरी है, ओके। या तो फिर अगर ऐसा भी नहीं है कि केमिकल फर्टिलाइजर का बिल्कुल यूज नहीं करना है, इट कैन बी यूज्ड बट ऑन अ लाइक मॉडरेट लेवल एज एंड व्हेन इट इज यूज्ड, ओके, एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम सिचुएशन में जब जरूरत पड़ती है तभी उसका यूज करना है, अदरवाइज एक्सेसिव मात्रा में उसका यूज नहीं करना है, ओके। यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल फॉर इंसेक्ट्स एंड हार्वेस्ट, ओके, क्रॉप्स को कीड़े जो होते हैं वो खराब ना करें उसके लिए बायोटिक मेथड का यूज करना है, यानी कि कुदरती तत्वों का इस्तेमाल करके क्रॉप को नुकसान होने से बचाना, दैट इज नोन एज बायोटिक मेथड। वाटर कंजर्वेशन भी इसमें आ जाता है कि सपोज अगर ऐसा हुआ कि बारिश कम हुई है, इरिगेशन भी अगर फैसिलिटी है लेकिन फिर वहां पे भी कभी कभी इरेगुलरिटी रह जाती है, ठीक है, कि अगर सपोज कोई कैनल वहां का पानी वहां तक एक्सटेंड किया गया लेकिन आगे ही बारिश कम हुई है तो वो पानी एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, तो खुद फार्मर को भी अपने खुद के एफर्ट्स करने होते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी बचा के रखना होता है उसको भी, जब भी यानी जो सीजन में बारिश हुई थी, ओके, उस वक्त या तो बहुत बड़े साइज का अंडरग्राउंड टैंक बना के वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से वो अपना वाटर कंजर्वेशन अपना खुद का अपने खेतों में पानी पिलाने के लिए वो कर सकता है, सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग, ओके। देन आफ्टर तीसरा मेथड है मिक्स्ड फार्मिंग, वो क्या है वो अब हम समझते हैं। हियर द कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री, सेरिकल्चर एंड फिशरी एटसेट्रा आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली अलोंग विद द फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब बहुत ही सिंपल है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है जमीन के ऊपर क्रॉप्स कल्टिवेट होते हैं उसके अलावा फार्मर्स साइड में दूसरी भी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैटल रेयरिंग, अपने पास वो कुछ कैटल रखते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियां वगैरह, उसको कैटल रेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। पोल्ट्री यानी के चिकन्स को या तो उसके अंडे पैदा करके उसको बाजार में बेचना बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, तो उसको भी पोल्ट्री फार्म शायद अगर आपने देखा हो या तो वीडियो में देखा हो या पिक्चर में देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या उसका मीनिंग होता है, ओके। एंड देन सेरिकल्चर, ओके, सेरिकल्चर का मतलब ये होता है कि जो रेशम के कीड़े हैं उनका रेयरिंग करना, ठीक है, उसमें से यानी कि सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म में से सिल्क के धागे बनाना,
राइट वो प्रोड्यूस करते हैं, कीड़े जो है वो अपने आप ही प्रोड्यूस करते हैं. सो दैट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज नोन एज सेरिकल्चर. एंड देन फिशरी ऑल्सो, अगर बाय चांस कोई फार्मर सी बीच के करीब रहता है, ठीक है, तो वहां पे अपने स्पेयर टाइम में या तो फिर ऐसा सीजन जब फार्मिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस वक्त वो फिशरी भी कर सकता है, मछलियां पकड़ के उसको बेच भी सकता है और अपना लिविंग जो है वो गुजारा जो है वो कर सकता है. दैट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी अलोंग विद द फार्मिंग, मेन ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ ये सारी एक्टिविटीज भी अगर कोई फार्मर करता है तो उसको मिक्स फार्मिंग कहा जाता है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट नाउ. अब हमें नया टॉपिक जिसका जानकारी एक टेबल के जरिए हमें लेना है, ओके, लेकिन उसके तीन जो नाम है उससे रिलेटेड वो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखे हैं. एज पर द सीजंस द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इन थ्री कैटेगरी. ठीक है, तो हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हमारी सीजन के मुताबिक तीन हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं. ओके, जैसे कि नंबर वन है खरीफ क्रॉप्स, जो कि मॉनसून सीजन में होने वाले क्रॉप्स हैं. खरीफ क्रॉप्स मॉनसून सीजन में होने वाले क्रॉप्स को कहा जाता है. एंड देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट रबी क्रॉप्स, उसके एग्जांपल हम देखेंगे, जो कि विंटर सीजन से रिलेटेड क्रॉप्स होते हैं. ओके, एंड देन वी हैव ज़ैद क्रॉप्स विच आर रिलेटेड टू समर सीजन. तो यहाँ पे टेबल पे टेबल में पेज नंबर 77 ब्लू कलर का जो बॉक्स दिया गया है जिसमें तीनों कैटेगरी शामिल है उनके एग्जाम्पल्स के साथ. ओके, वहां पे क्रॉप्स के एग्जाम्पल लिस्ट आउट किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप सबसे पहले कॉलम में हम देखेंगे क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. ये उसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश में लिखना है डेफिनेशन तो ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा कि क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है, हालांकि वो याद रखना भी बहुत आसान है क्योंकि इंडिया में हम रहते हैं और हमें पता है रेनी सीजन कब आता है. सो टाइम फॉर दीज क्रॉप्स इज फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर. यही टाइम पीरियड है जिसके बीच में इंडिया के लगभग सारे एरियाज में बारिश होती है, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक. जैसे कि फिलहाल भी मॉनसून सीजन चल रहा है, आपको पता ही है कि बहुत सारी बारिश जो है लगभग हर रोज आजकल होती रहती है. ठीक है, सो बेसिकली द बेस्ट सीजन टू कल्टीवेट द खरीफ क्रॉप इज फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर. और उसके एग्जांपल्स हैं लास्ट पॉइंट में कि पैरी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंड नट, मूंग एंड मट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. राइट, तो बेसिकली रेनी सीजन में होने वाले ये क्रॉप्स के एग्जांपल हमने पढ़ लिए. राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एट द सेम टाइम इट इज वेरी इजी आल्सो फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दीज डिटेल्स, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से जुड़ी हुई काफी सारी बातें जो है वो हमें वैसे ही पता होती है. ऐसा नहीं है कि इसको हम पढ़ेंगे तो ही हमें मालूम पड़ेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट. देन लेट्स मूव ऑन टू रबी क्रॉप्स, जो कि विंटर क्रॉप्स होते हैं. विंटर सीजन में जो होने वाले क्रॉप्स होते हैं दे आर ऑब्वियसली नोन एज विंटर क्रॉप्स या तो फिर रबी क्रॉप्स. उसका डेफिनेशन भी उसी तरह से लिखा हुआ है, क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. सो यू शुड मेक अ ब्रैकेट ऑन दैट सेंटेंस और अंडरलाइन इट. रबी क्रॉप्स क्या होता है उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बहुत ही इजी वर्ड्स में. And the best months to cultivate the rabi crops are from October, November to March, April. क्योंकि उसी समय के दौरान विंटर सीजन इंडिया में चलता है. ठीक है, सो October, November to March, April. And in the third point, we have the examples of rabi crops. As you can see over here, wheat, gram, barley, mustard, linseed. ये सारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स. ओके, देन वी विल मूव ऑन टू ज़ैद क्रॉप्स विच आर ऑल्सो नोन एज समर क्रॉप्स. समर सीजन में होने वाले क्रॉप्स भी होते हैं. उस वक्त बहुत खास तरीके से ये ध्यान रखना पड़ता है,
because it's extremely hot in the atmosphere, and at the same time it is not raining. So we also have to make sure that the irrigation, the proper irrigation facility is also available on that particular land area. So keeping that in our minds, we need to understand that zaid crops are not cultivated everywhere. समर सीजन में समर क्रॉप्स यानी कि जैद क्रॉप्स हो तो सकते हैं, लेकिन हर एक जगह पे नहीं, खास करके वैसी जगह पे जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध है. ओके, सो अकॉर्डिंगली वी हैव द डेफिनेशन ओवर हियर. क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग समर आर कॉल्ड जैद क्रॉप्स. बहुत इजी उसका डेफिनेशन है कि समर सीजन में उगाने वाले जो क्रॉप्स होते हैं उसको जैद क्रॉप्स कहा जाता है. और ऑब्वियसली उसका टाइम जो है दैट इज फ्रॉम मार्च टू जून. ओके, मार्च से जून के महीने में जब एक्सट्रीम लेवल का समर सीजन चल रहा है उस वक्त ये क्रॉप्स होते हैं. उसके एग्जांपल्स हैं बहुत सारे हैं, पैडी, मेज, ग्राउंडनट, तिल, मिलेट, एंड देन देयर आर सम फ्रूट्स आल्सो लाइक वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्कमेलन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जैद क्रॉप्स. ओके, तो ये हो गया कि मेनली तीन टाइप के क्रॉप्स इंडिया में जो होते हैं उसका एक थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया. ओके, और उसके बाद का जो नया टॉपिक है हमारे लिए मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जो कि काफी लंबा काफी बड़ा टॉपिक है, बट विल स्टडी दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए इतनी बातें आपको पढ़ लेनी है और बराबर से याद रखनी है. And in case the time allows, you can also study further the lesson. It's very, very interesting. हालांकि लंबा लेसन है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है और हमारे लिए बहुत जानने लायक और समझने लायक लेसन है, और हमें समझना भी चाहिए इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड दैट्स ऑल. थैंक यू.